हेलो एवरीवन, हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों सी बधाइयाँ आप लोगों को। और इस जन्माष्टमी बनाएं नारियल की मिठाई, वो भी गुड़ से बनी हुई। तो नारियल की मिठाई आप लोगों ने तो खाई ही होगी। शक्कर की चाशनी में ना इसमें चाशनी तैयार करनी पड़ती है और ना क्वांटिटी है। मैं क्वांटिटी के हिसाब से नहीं बनाती, जैसे बता रही हूँ वैसे बनाइए। और इस जन्माष्टमी खुश कीजिए कान्हा जी को। तो मैंने देखे ड्राई फ्रूट्स वगैरह में काजू और केवल बादाम लिए हुए थे, उसको डीप फ्राई कर लिया। और ये किशमिश को भी डीप फ्राई कर रही हूँ। और इन सबको डीप फ्राई करने के बाद बढ़िया से निकाल लेना है। और इसके बाद ना नारियल बुरादा, आप चाहें तो सूखा नारियल जो होता है उस नारियल को भी आप लोग ग्रेट कर सकते हैं। मैंने सूखा नारियल को भी ग्रेट किया हुआ और उसके बाद मैंने इसको सौते कर लिया। उसके बाद ना केवल किशमिश को बचा के बाकी तीनों ड्राई फ्रूट को इसको अच्छे से पीस लेंगे, लेकिन मोटा पीसिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम बारीक पीसें, क्योंकि मोटा दरदरा पीसे रहेंगे ना तो उस पर बहुत अच्छा, मैंने बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से पीसें। उसके बाद जो मैंने ड्राई फ्रूट पीसा है वो नारियल बुरादा, इन सबको एक थाली पे निकाल के, प्लेट पे निकाल करके उसके बाद सब मिक्स करें, किशमिश मिक्स करें। इसमें मैंने ना डाला है खसखस और हरी इलायची का पाउडर, ये डाल करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद अब क्वांटिटी इसको मेज़र करनी है। लगभग ये दो कटोरी मैंने जो ये पीसा है, मसाला बनाया है, तो इसको दो कटोरी ही बनेगी। दो कटोरी में इसमें आधा आप लोग गुड़ ऐड कीजिएगा, यानी दो कटोरी यदि मेरा ये नारियल बुरादा का मिश्रण रहा तो इस पर एक कटोरी आप लोग गुड़ डालिएगा। उसके बाद घी, दो चम्मच घी डालिए फिर से, और गुड़ को, गुड़ की चाशनी इसमें बनेगी तो गुड़ डालिए। अच्छे से मिक्स कीजिए। इसमें एक तार की चाशनी या दो तार की चाशनी की ज़रूरत नहीं रहती, गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और उसके बाद ना अपन इस पर डालेंगे बढ़िया सा जो हमने ग्रेट किया हुआ था नारियल और ये सब ड्राई फ्रूट, इसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी बढ़िया सा। इसमें खरबूजा का बीज भी मिक्स किया है, मैंने बताना भूल गई। अच्छे से मिक्स कीजिए बढ़िया सा। और इसमें ना पानी का थोड़ा सा, एक दो चम्मच पानी डालिए ताकि मिठाई जो है नरम बनेगी और थोड़ी देर के बाद भी ये खाने में एकदम सॉफ्ट लगेगी। तो इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आएगा। मैंने भी गुड़ में बना करके देखा तो बहुत ही टेस्टी बना। शक्कर में तो सभी लोग खाते हैं, इस बार गुड़ में, गुड़ की चाशनी से बना करके देखिएगा इस मिठाई को, बहुत ही बढ़िया बनती है, बहुत ही अच्छी। और इसके बाद मैंने ट्रे में जो घी लगाया हुआ था उसके बाद इसको मैंने उतार लिया। नारियल छोटी छोटी कटिंग की हुई थी, नारियल और ड्राई फ्रूट से डेकोरेशन करके बढ़िया सा, उसके बाद काट करके सर्व किया। बहुत ही टेस्टी लग रहा था, घर पे भी सबको पसंद आया। और मैंने कान्हा जी को इसका भोग भी लगाना है, तो जन्माष्टमी में मैं यही इसी चीज़ का भोग लगाऊंगी। आप लोग भी जन्माष्टमी में इसे खाइए और भोग लगाइए। हैप्पी जन्माष्टमी। और तब तक के लिए फिर से नई रेसिपी के साथ फिर से मिलेंगे अपन। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।